हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा की ग्रेडिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अश्वगंधा की ग्रेडिंग चल रही है। ये जो साइज़ की दिख रही है काफ़ी अच्छी साइज़ की अश्वगंधा है और ये इसका तार 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 वाला भाग है। ये देख सकते हैं अश्वगंधा में जो पीछे का तार वाला पतला भाग रहता है वो इस प्रकार निकल जाता है। और ये देख रहे हैं आप मोटी मोटी जड़ें हैं, ये जो जड़ दिख रही है इनको उधर पंखे में क्लीन करने का काम चल रहा है। और इस प्रकार से इसमें अश्वगंधा की ग्रेडिंग की जाती है तो काफ़ी अच्छा है। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और आप भी अश्वगंधा से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं यानी कि परंपरागत फसल से 3 से 4 गुना अधिक मुनाफा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले सभी वीडियो देखते रहें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके और अश्वगंधा के बारे में आपको पूरी जानकारी सटीक जानकारी मिल सके। और आप जो अश्वगंधा खेती में जो गलती कर देते हैं वो गलती आप ना करें, क्योंकि इस प्रकार की गलतियाँ करने से अश्वगंधा की जो जड़ें हैं वो बिगड़ सकती हैं। यानी कि अपने को जो 40,000 का भाव 50,000 का भाव रहता है वो मिलने के बजाय अपने को 20,000 या 15,000 में बेचना पड़ जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए आप। ये देख रहे हैं आपकी काफ़ी अच्छी साइज़ की पतली पतली जड़ें हैं और इसमें काफ़ी मोटी जड़ें भी हैं। तो ये जो पहले अपनों ने ग्रेडिंग वाली जो जड़ें देखी थी वो ये ऐसी ही जड़ें थी। इसमें आपको कई सारा तार वाला भाग दिख रहा होगा तो इसको तार वाला भाग इसको जैसे जैसे सूख जाएगी वैसे अपन इसके ऊपर पाँव से इसको मसलते रहेंगे तो सब टूटती रहेगी, यानी कि टूट टूट कर सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बहुत बारीक हो जाएगी। यानी कि अपन जब 4 से 5 बोरी निकालते हैं तो उसकी 2 बोरी ही रह जाती लगभग। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, ये काफ़ी तार वाली जड़ें हैं तो इनको सुखाने के बाद में 4-5 दिन बाद सूख जाती है, 4-5 दिन में लगभग। तो सूखने के बाद अपन पाँव से इसको तोड़ते रहते हैं, तोड़ने के बाद में अपन इसको ग्रेडिंग के लिए तैयार करते हैं। यानी कि इसके बाद में जो पंखा है उसमें क्लीन करते हैं तो ऊपर से जो तार तार वाला भाग है वो अलग निकल जाएगा और अपन चाहे थोड़ा बहुत तार वाला भाग रहता है तो उसको हाथ से तोड़ के भी अलग कर देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप 6 से 7 दिन अच्छा सुखा लें उसके बाद ही इसको क्लीन करें। यानी कि तार वाला भाग अच्छा टूट जाएगा, वो पतला भाग जो रहता है वो मसल मसल के टूटता रहता है तो उसकी आप चिंता ना करें और इसको इस प्रकार से क्लीनिंग करते रहें। जैसे आपको और जानकारी के लिए बताऊँ मैं इसे कि देख सकते हैं इसमें बड़ी बड़ी जड़ें दिख रही हैं आपको और इसमें तार वाला भाग भी है तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तार तो ऐसे ही निकल जाते हैं और तार वाला भाग जो है वो भी बिकता है। उसके अलावा जो मोटी मोटी जड़ें हैं वो अच्छे भाव में बिकती है। अपन चाहे तो मोटी जड़ को भी अलग से ग्रेडिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी तार वाला भाग भी है और पतला भाग भी है और जड़ें भी अच्छी देख सकते हैं आप। इसमें साइज़ भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। ये देखिए तोड़ने पर काफ़ी अच्छी टूट भी रही है, इसमें पाउडर भी काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी अच्छी जड़ है। ये देख सकते हैं मैं तोड़ के बता रहा हूँ आपको, देखिए ये एक और तोड़ी है अभी, काफ़ी अच्छा पाउडर है इसमें। तो इसे जड़ें अगर थोड़ी बिगड़ जाती हैं तो इसे ही देखने में पता चल जाता है। ये जो जड़ें हैं इनमें उतना अच्छा पाउडर नहीं बना है जितना अच्छा बनना था। जैसे अभी देख सकते हैं ये इनमें काफ़ी अच्छा पाउडर है। ये जैसे जड़ें हैं कोई सारी जड़ें टूटती हैं, बहुत सारी नहीं टूटती हैं। तो ऐसे अश्वगंधा की खेती होती है। और आपको जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखते रहें, आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहेगी। ये जो आपको पेंसिल साइज़ की जड़ दिख रही हैं आप ये क्लीन कर ली हैं, देख सकते हैं आप ये सामने वो क्लीन की हैं, पंखा चल रहा है। ये जो आप देख सकते हैं क्लीन करने के बाद काफ़ी क्वालिटी वाला माल बन जाता है। देख सकते आप ये कचरा माल है और उसमें काफ़ी क्वालिटी वाला माल बन जाता है तो भाव उसी चीज़ का मिलता है जिसमें क्वालिटी होती है। तो अपन अपनी फसल को ग्रेडिंग करके ले जाएंगे, क्वालिटी बना के ले जाएंगे तो जहाँ आपने फसल 15,000 बिक रही है वहाँ 20,000 बिक सकती है। यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा फ्री के मिल रहे हैं, अपने को थोड़ी मेहनत करना है। यानी कि अपन दिन मजदूरी करते हैं तब जाके अपने को 200-300 रुपये मिलते हैं वहाँ। उससे अच्छा तो ये है कि अपन इसको अच्छे ग्रेडिंग कर लें। कई सारी बार क्या होता है कि तार वाला भाग जो है वो भी काफ़ी अच्छा भाग अच्छा बिक जाता है कुल मिला के। तो और इसके अलावा जो मोटा मोटा भाग है ये भी काफ़ी अच्छा, आपको पता है अच्छा माल होता है तो अच्छा बिकता ही है। ये देख सकते हैं ये जड़ में तोड़ रहा हूँ, टूट नहीं रही है। ऐसी जड़ें भी होती हैं, ये इस कारण से होती है कि अपन पानी ज़्यादा दे देते हैं फसल में तो इस प्रकार की समस्या आने लगती है। या फिर अपन खाद टाइम टू टाइम नहीं देते हैं, पानी भरा रख देते हैं और ज़्यादा पानी सिंचाई कर देते हैं तो ऐसी समस्याएँ आती हैं। ये बहुत सारे किसानों की समस्या है, ऐसी समस्या इसमें आती रहती हैं। तो अपने को खाद बीज टाइम टू टाइम देना है और पानी समय समय पर देवे और इसमें थोड़ा लेट करके पानी देवे, यानी कि थोड़ा पौधा अच्छा बड़ा हो जाए तो खींच लगा के पानी देवे। यानी कि
जब 15 दिन में पानी देना चाहिए तो अपने को 20 दिन में देना है, यानी कि 3 पानी के बाद में अपने को चौथा पानी जो है 1 महीने 1.5 महीने में देना है। अपना टाइमिंग सेट करके रखें पहले से कि कब अपने को पानी देना है, और अपना जो क्लाइमेट रहता है उस हिसाब से चलते रहें ताकि खेत में नमी बनी रहे और ज़्यादा गीला भी ना हो। यानी कि जड़ जो है अपन ज़्यादा पानी देने दे देते हैं, पानी पर पानी देते रहते हैं तो जड़ जो है ज़्यादा पानी सोख लेती है, और उसमें क्या है कि वो नमी सोखने के कारण वो पौधा ऊपर ज़मीन के ऊपर का काफ़ी अच्छा वृद्धि करने लगता है। ज़्यादा वृद्धि कर लेगा तो आप भी समझ सकते हैं जड़ भी ज़्यादा जाएगी। जड़ ज़्यादा जाने का कारण ये है, ज़मीन में ज़्यादा जाएगी तो उसके जड़ के 4-5 जड़ें निकलती है, उसमें फिर नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।